दिस इज द आर्य वर्ड ऑल थ्री वी आर विजिटिंग राइट नाउ. दिस इज द कैंपस व्यू फ्रॉम द टॉप फ्लोर. यू कैन सी द माउंटेन्स ओवर देयर. These are the hostel rooms. This is a ये कोविड के कारण अभी जो है हर एक स्टूडेंट को एक एक रूम अलॉट हुआ. वैसे एक रूम में तीन बच्चे रहते हैं. ये कैंपस टॉप फ्लोर पे. ये ब्लॉक अलग अलग है सबकी. ये ऊपर भी जा सकते हैं यहाँ से. और सामने पानिनी हॉस्टल है. हॉल फोर उसी अभी मतलब हॉल फोर है वो. हॉल वन है वो शायद. इधर हॉल थ्री फोर है. अपन अभी हॉल थ्री में. गेट बंद है अभी. ऊपर नहीं जा सकते. बच्चे ज़्यादा नहीं है अभी कोविड के टाइम में. 50 बच्चे होंगे मैक्सिमम पूरे हॉल में. सबको एक एक रूम में अलॉट हुआ है अभी. शानदार है कैंपस एकदम. पहाड़ों के ऊपर जब पहाड़ों के ऊपर टाइप सी लगती है जब आप स्टेशन से यहाँ पर आ रहे होंगे तो. ये हॉल थ्री है पूरा टॉप फ्लोर व्यू. स्टेप 105 बैटमैन. अपन घूमते घूमते आ गए यहाँ पे. हॉल थ्री से ऊपर भी जा सकते हैं अपन. नो प्रॉब्लम. सब हॉल थ्री से व्यू है. ये सबसे मस्त व्यू है यहाँ पे. दिस इज द बेस्ट व्यू यू विल गेट फ्रॉम हॉल थ्री. द बेस्ट व्यू. वो इट्स लॉक्ड बट यू कैन कम एंड सिट हियर एट नाइट एंड गेट दिस अमेजिंग व्यू. अगर ये टेरेस खुला होता तो और शानदार होता पर अभी बंद है तो अपन जा नहीं सकते. पर यहाँ से बहुत शानदार दिखता है. ये पूरा हॉल थ्री है. ये पीछे पूरा पहाड़ है. कैंपस खुलेगा तो बहुत सगड़ी व्यू आएगी यहाँ से. ऐसे चल रही है यहाँ से. पूरा पहाड़ों के बीच अमेजिंग व्यू. यू कैन सी आई देयर दैट इज़ आई थिंक ये राधे कृष्ण समथिंग गर्ल्स हॉस्टल है. ये फुटबॉल ग्राउंड के जस्ट बगल में है. ये अपना डुमना नेशनल रिजर्व है मे बी. आई डोंट नो पता चलाया कुछ दिन में. ये पूरा हॉल थ्री था. यहाँ पर ये कैंपस वगैरह ये सब कुछ है यहाँ पे. ये उधर हॉल वन है. उधर पानी टंकी वगैरह एकेडमिक ब्लॉक्स भी दिख जाती हैं यहाँ से. यहाँ से ऐसा दिखता है. एंड सामने से जाएंगे तब दिखेगा. ये
कुछ काम कर रहे हैं अभी। ये भी अपना हॉल थ्री है, सामने हॉल वन है, वो तो दिखाया मैंने उधर से। टोटल आई थिंक हॉल वन है, हॉल टू है, हॉल थ्री है, हॉल फोर है, चार हॉल्स हैं ये। यहाँ से अपन दिखे हैं, ये बहुत सही। ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक्टिविटी सेंटर, ये वाली, ये बिल्डिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। ये अपनी फुटबॉल और क्रिकेट की ग्राउंड है। फुटबॉल क्रिकेट की बहुत शानदार ग्राउंड है, बहुत बड़ी है। मतलब यहाँ से मे भी छोटा दिख रहा हो पर वो बहुत बड़ी है। अगर जाओगे तो फुटबॉल की सेपरेट ग्राउंड है, क्रिकेट की सेपरेट ग्राउंड है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ये पीछे में ये पीली, ये एकेडमिक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, ये भी बहुत बड़ी है। उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, यू कैन वॉच इट, आई विल अपलोड इन अ फ्यू डेज। ये लेक्चर हॉल है। उसके पीछे वहाँ ECE और CSE की लैब्स हैं, क्लास भी, लेक्चर हॉल्स भी है। ये फैकल्टी रेजिडेंस है, ये वाली, दिस इज द फैकल्टी रेजिडेंस। ये यहाँ से दिख रही है, बहुत दूर है, पर वो बहुत दूर है। आई थिंक इट इज़ मे बी 2-3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये लेक्चर हॉल है। इसके पीछे भी बहुत, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर भी बहुत शानदार सी व्यू आती है हॉस्टल से, इतना अमेजिंग सा हॉस्टल है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये पूरा हॉस्टल है अपना, प्रॉपर हॉस्टल। ये पूरा हॉल थ्री है सर, दिस इज ओनली हॉल थ्री। विल गो टू हॉल टू एंड हॉल वन ऑल्सो इन अ फ्यू डेज। लॉट ऑफ स्विच सर, ये बहुत ही शानदार सा एक, मतलब बहुत ही अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस को डिज़ाइन किया है इन्होंने। When you will come to the campus, you will get an, you know, glimpse of why this is called IIID DMJ, Design and Manufacturing. Campus reflect itself. These are my guys, Satvik, Manideep, Sai. काम आ रहा हूँ। ये दैट इज़ अ विजिटर्स हॉस्टल, ये विजिटर हॉस्टल है, आपके पेरेंट्स आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं मे बी। दिस इज द ECE एंड CSE लैब्स, दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये अपना फुटबॉल फील्ड, अभी थोड़ा कोविड की वजह से अभी थोड़ा मेंटेन नहीं है ये थोड़ा सा, पर बहुत बड़ी है, मेंटेन हो जाएगी। घास काफ़ी सारी है, बस घास कटिंग होगी और ये मेंटेन हो जाएगी। ये पीछे प्रैक्टिस पिचेस भी हैं क्रिकेट के लिए। मैं ग्राउंड की एक अलग से सारी स्पोर्ट्स की वीडियो बनाने वाला हूँ, यू कैन वॉच एंड एक्सप्लोर इट। सो ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अमेजिंग, देर आर लॉट ऑफ अमेजिंग व्यूज एंड अमेजिंग प्लेसेस इन द कैंपस ऑल्सो, विल एक्सप्लोर इट लेटर लाइक दिस। विल गो बैक साइड, ये अपन उसके पीछे जाएंगे, ये हॉस्टल के पीछे से भी बहुत सारी बहुत शानदार व्यू आती है, वो भी अपन देखेंगे। ये अपना हॉल थ्री का, हॉल थ्री के जस्ट सामने अपना बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके जस्ट बगल में टेनिस कोर्ट है। दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग व्यू, यू कैन वॉच इट। दैट इज हॉल वन आई थिंक, दिस इज हॉल वन, पानिनी हॉस्टल, यस दैट इज हॉल वन। ये अपना छत पे, यहाँ पे छोटा सा गैलरी दे रखा है गैदरिंग वैदरिंग वगैरह के लिए, यहाँ पे पर आ सकते हो शाम को क्लास के बाद। अपन शाम के क्लास के बाद आते हैं यहाँ पे घूमते हैं छत पे, बहुत शानदार है। ये भी सारे लॉक्स बंद हैं एक्चुअली, सभी दिस इज द गेस्ट रूम, हॉल थ्री एंड
all four. It's a very nice one. अगेन वही पानी हॉस्टल है. नाइस अमेजिंग सा व्यू है. सो दैट्स इट फॉर ऑल थ्री. विल गो इन टू द रूम्स एंड ऑल लेटर. एक कैंपस के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह जितनी भी हैं दी जाती है. वाईफाई है, कैसी है स्पीड, कितनी है वाईफाई की, हॉस्टल कैसी है, मेस कैसा है, खाना कैसा है, कैंटीन कैसी है, इतने देर ओपन होती है, अपना एक इंडोर, एक हर एक हॉस्टल में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है. विल सी एवरीथिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग आवर ब्यूटीफुल कैंपस. एंड विल ऑल्सो गो थ्रू सम अमेजिंग. अभी तो कोविड है तो मोस्टली सारी चीज़ें बंद ही हैं. अपने को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के साथ छोड़ा है इन्होंने. अपन हॉस्टल में बिना मास्क के नहीं घूम सकते, गैदर नहीं कर सकते. तो वी आर प्रॉपरली वी हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल. हमारी एवरी डे हमारी स्क्रीनिंग होती है टेम्परेचर की. तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ इन्होंने खोला हुआ है कैंपस. लैब्स के लिए बुलाया है हमें. तो हम खुद 1.5 साल बाद आए हैं सेकेंड ईयर में. तो इट्स अ प्रीटी, तो इसलिए अभी हॉस्टल काफ़ी खाली खाली है. मतलब 600-700 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पर. अभी मेरे हिसाब से इस हॉस्टल में अभी 50-60 स्टूडेंट्स हैं ओनली. ऑल्सो बहुत सारी और वाइल्ड सब चीज़ें, बहुत बहुत सही जगह, बहुत ग्रीन सा कैंपस है. यू विल लव इट. नेचर लविंग पर्सन, शांत सा है एकदम. आउटर है, सिटी से काफ़ी दूर है. रेलवे स्टेशन सिटी से काफ़ी दूर है सांसा, पर कैंपस में सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं जिसे हमें चाहिए. मेस वगैरह सबकी वीडियो में डालूंगा. मेस तो सारी चीज़ें एडिक्वेट हैं, बहुत सही है. 4 फ्लोर की है हॉस्टल है आई थिंक. सो कीप वॉचिंग स्टेडियम. We'll see you in the next video.